वेलकम वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं जर्मन टाइट को पकड़ने वाला हूँ। मजा आएगा गाइस, आप लोग वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पाल वर्ल्ड में ये एक ऐसा पाल है जिसके पास लेवल 4 वाटरिंग एबिलिटी है। ऊपर से ये बॉस है इसलिए इसको डैमेज भी कम लग रहा है। चलो कोई ना, इसको पकड़ ही लेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसके हेल्थ कम करने के लिए, लेकिन एंड तक तो ये गेम हो ही जाएगा, पकड़ में आ ही जाएगा। इसके पास एक वाटर कैनन वाला एक अटैक है, उससे बचना है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये पानी में कुछ ज्यादा डैमेज दे नहीं पा रहा, फैलरी से सही रहेगा अभी के हिसाब से। फैलरी से भी अच्छा डैमेज दे रहा है। और ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा हेल्थ कम हो चुका है, बस थोड़ा सा और हेल्थ कम करना है। ये मेरे ऊपर एग्रो है और फैलरिस पीछे से उसको डैमेज दे रहा है। ये वाला अटैक बहुत खतरनाक है, इसी की बात कर रहा था मैं। एक हजार से भी कम हेल्थ बचा है अभी इसका। मैं अभी थोड़ी देर में फैलरिस को बुला लूंगा ताकि ये एकदम से मार ना दे जर्मन टाइट को। मैं इसके ऊपर बॉल फेंकने से पहले थोड़ा सा और हेल्थ कम करना चाहता हूँ ताकि ये ज्यादा नखरे ना दिखाए। इतना काफी होगा? चलो बॉल मार के देखता हूँ। मैं अभी अल्ट्रा स्पेयर यूज कर रहा हूँ। एक से कहाँ होगा, ये लेवल 45 का है, नखरे तो दिखाएगा ही, कोई कुछ भी कर ले। अभी भी नहीं हुआ, अब तो हो जाएगा। नहीं, अरे अल्ट्रा स्पेयर है ये, बहुत एक्सपेंसिव है, हो जा भाई। क्या यार, बेकार के नखरे चालू है इसके। मेरे पास लेजेंडरी स्पेयर भी है, वो भी यूज करूंगा अभी। पांच अल्ट्रा स्पेयर मारा, फिर भी यार ये पकड़ में नहीं आया। छः, चलो लेजेंडरी स्पेयर मारता हूँ। अब तो हो जा भाई, लेजेंडरी स्पेयर है ये, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। अभी भी नहीं, अब तो हो जा। क्या यार, कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा है ये तो। मार दिया। चलो कोई ना, एक और बार कोशिश करके देख लेते हैं। इस बार तो इसको पकड़ के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आ जाओ, अल्ट्रा स्पेयर मारा मैंने अभी। अगर इससे नहीं होगा तो मैं लेजेंडरी हो गया। इस बार एक अल्ट्रा स्पेयर से ही हो गया। वाह भाई, उस टाइम को तो बेकार के नखरे दिखा रहा था। चलो अभी डैमेज दिखाता हूँ और इसके अटैक्स दिखाता हूँ, इसके पावर्स, एबिलिटी तो नहीं, पावर्स दिखाता हूँ। चलो ये मेमोरेस्ट से ही रहेगा। ऊपर से ये बॉस भी है,
जब शुरू में पाल वर्ल्ड खेलना चालू करा था तब मेरे पाल्स मेमो रेस्ट को एक एक का डैमेज देता था। अब देखो अब क्या ही कर लेगा ये। अब तो ये जर्मन टाइड एक ही अटैक में बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मरेगा थोड़ी देर में और जल्दी मर जाएगा। उधर मत जाओ। अरे जंगल में क्या करने जा रहे हो? उधर आओ। अरे इधर आओ वापस। क्या यार इधर आके फाइट करो ना। शुरू शुरू में मेमोरेस्ट भी बहुत खतरनाक बॉस लगता था लेकिन अभी पता चला इससे भी बहुत खतरनाक वाले बॉसेस है इसमें पाल वर्ल्ड में। ये क्या है भाई उछल कूद चालू है। और मेमोरेस्ट उधर मुंह करके क्यों खड़ा हो गया भाई? अरे फाइट नहीं करनी क्या? ये मेमोरेस्ट तो दुखी होके कोने में खड़ा हो गया भाई। इसको फाइट ही नहीं करनी अब। देख रहे हो ये है जर्मन टाइड का खौफ। ये तो अटैक ही नहीं कर रहा। चलो बेचारा दुखी होके कोने में खड़ा हो गया। इसको और नहीं मारते। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।